जिला पंचायत के सभागार में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बेचन राम की अध्यक्षता में आयोजित थी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर का पार्टी के पदाधिकारियों ने पुष्प देकर स्वागत किया। अनुसूचित जाति सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के रिटायर्ड अधिकारी बैंक कर्मी कर्मचारियों से विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में पार्टी को मजबूत बनाने और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री छोटेलाल पासवान, क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य राम शरण धारिया, जिला अध्यक्ष राम दुलारे, कृष्ण कुमार, अनुराग बांझवार, राम दुलारे, हरिनाथ सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग सम्मिलित हुए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, आइए स्वागत आप लोग करेंगे, आप लोग स्वागत करें। इसे उत्साहवर्धन हो, हरिनाथ भाई जी का आज आप लोग स्वागत करें। मंजू दिलेर जी का स्वागत करें, कुछ कुछ देखें हमारे बीच में क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकर जी से आग्रह है कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिला अध्यक्ष आदरणीय राम दुलारे जी, आदरणीय जो उत्तर प्रदेश सरकार में SST आयोग के सदस्य हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम 30 तारीख को कुशीनगर जनपद में है और बहन जी का जो हम लोग की मुख्य अतिथि हैं और खानदानी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कालखंड से ही जिनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ और जिनके दादा हमारे भी अभिभावक थे, कृष्णलाल दिलेर जी जो अलीगढ़ धरती के महान सपूत थे, जिनके साथ मुझे भी दो बार विधायक रहने का अवसर मिला था, और आपके दादा श्री स्वर्गीय कृष्णलाल दिलेर जी 5 बार विधायक थे और 4 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से MP थे, और आपके पिताश्री आज यह उत्तर प्रदेश सरकार और विधानसभा में यह वरिष्ठ विधानसभा सदस्य हैं। आपके बारे में मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कहता हूं तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आपके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और उत्तर प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री रहे माननीय कल्याण सिंह जी के मित्रों में से एक थे आपके दादाजी। तो आपके बारे में यह कहना कि मंजू दिलेर जी तो उम्र में बहुत कम लग रही हैं, लेकिन साथियों आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठतम परिवार है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो जब भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ को सैकड़े वोट मिलता था उस समय जो आपके दादाश्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में
चुन करके जाते थे मानी कल्याण सिंह जी के साथ। ऐसे ऐसे जो आप परिवार की बेटी हैं, आपका मैं गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर और कबीर संत कबीरदास की निर्माण स्थली और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर आपके आगमन पर हम सभी कार्यकर्ता जो प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, अनुसूचित समाज से संबंधित हैं, आपका हृदय से हम लोग सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी जैसे कार्यकर्ता व समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आए सभी महानुभावों को नमस्कार प्रणाम और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस सभागार में मैं करती हूँ। माता की बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, मंजू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय का अभाव के कारण बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को ना सुन पाने का अफसोस मुझे सदैव रहेगा। आज गोरखपुर जनपद में प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन है, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में विस्तार से बताया, योजनाओं के विषय में बताया, दूसरी पार्टियों की पॉलिसी क्या रही और कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा की। लेकिन आज जो वर्ग इस सभागार में है, उस वर्ग के लिए मैं कोई निर्देश कोई संदेश नहीं देने आई हूं। मैं सिर्फ ये जानने आई हूं कि वो हमारा प्रबुद्ध वर्ग जो समाज को दिशा और दशा देता है, उसकी सोच के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तो आप जरूर समाज में यहां से जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ उस मैसेज को दें। अगर आपको लगता है कि उस उद्देश्य पर उस दिशा में अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि आप कोई मैसेज समाज में दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संगठन की रीढ़ रखी, संगठन को जो गढ़ा, उन्होंने जो विचार भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज को दिया, वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी तो है, राजनीतिक संगठन तो है, लेकिन एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो मानव के बीच में काम करती है, समाज के बीच में काम करती है, जाति पाति का भेद भुलाकर काम करती है, वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी। उस विचारधारा के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। बहुत देर से यहाँ चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया, बाबा साहब का जब शरीर पूरा हुआ तो उनको दो गज जमीन भी कांग्रेस सरकार ने मुहैया नहीं कराई। क्या हम ऐसी सरकारों को लाना पसंद करेंगे जिन्होंने 50 से लेकर 60 वर्षों तक इस समाज का शोषण किया, इस समाज से वोट इकट्ठा किया, और हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय बाबा साहब के जो इस चलते जिनका जीर्णोद्धार मुझे लगता है कि बरसों पहले होना चाहिए था, उसके लिए किसी ने विचार तक नहीं किया। के बीच में आएंगे क्योंकि ये समाज अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा समाज है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस संविधान में जिनका अधिकार है तो बाबा साहब की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का प्रमुख वर्ग का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जितने भी अपने रिटायर्ड अधिकारी गण रहे, बैंकों में रहे, रिटायर्ड अपने ऑफिसर्स रहे, उन सब के साथ आज विचार विमर्श करने का कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री जी 2019 में दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री बने, ऐसा विचार भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने
जो संविधान हमको दिया, संविधान में जो अधिकार दिए, उस अधिकारों को अगर कोई रोक रहा था तो दूसरी सरकारें रोक रही थी। उन अधिकारों को पूरा दिलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसीलिए आज अपने प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक मीटिंग की और उसमें ये संदेश दिया कि हमको दोबारा से प्रधानमंत्री जी को लाना है ताकि हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा आगे हमेशा के लिए बनी रहे।